जनपद मैनपुरी के श्रीदेवी मेला नुमाइशी पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने विवाह समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए किया। तो वहीं शादी के बंधन में बंधे 106 जोड़ों को उपहार भेंट करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के समापन के दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय परिवार के शादी योग्य बेटी और बेटा का जुम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। यह जिम्मेदारी सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार तीनों का सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत अंतिम छेड़ के वो व्यक्ति जिनके चेहरे पर मुस्कान देने का काम, उनके चेहरे पर विकास देने का काम, अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसी के तहत पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के हाथ पीला करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके साक्षी भव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और उसी आधार पर आज मैनपुरी की धरती पर 107 के अलावा या 106 जी 114 पंजीकृत हैं, उसमें से कुछ आने पुए आ रहे हैं, लेकिन 107 जोड़े यहाँ आज वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। उनको मेरी ओर से बधाई, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बधाई। उनको न सिर्फ वैवाहिक जीवन की शुरुआत कराई जाएगी, बल्कि मूलभूत जो जरूरतें हैं उसके लिए गैस का कनेक्शन और चंद छोटी छोटी सामग्री आप देख रहे थे उसको भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। ठीक है, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।